डेढ़ दड़ी आ जाए इसमें तो इसे इसे पाए उड़ा मोटे मोटे लागे हुए दन्ना के। अब वो दन्ना की औरत जो है पहला नहीं बोली अकीब क्यों रोला करा, पहला खेत में जाके देखा उसमें। हाँ बेरा नहीं दुनिया भी बंडान दियो सारी आने सोचे लड़ान की मारी कन दियो। वह खेत में गई थे सा चला काम इसे मोटे मोटे ये थे ना इसे चोकर लोटे पड़े उसके आर में ठाडा ठुकरा। उन्हें सोची इसना अच्छे खाए कड़ेगा भगत पल्ला पड़ाई है कहूँ के मर करे के मैं तो वो ठा के शरपे का उसके सिर में ठोकूंगी। उड़ा चाल पड़ी ले कर दन्नंद बेरा था का जा रही है खेत में उड़ा खेत में के से खेत है उड़ा तो आओ गया को नहीं जाके देखा नहीं बेचारे ने। तो पांच चार भगत आगे दन्ना दोरा जब आज लिकट जा कर दिन पानी पात पे आके तो खेत नार नूर लेन। तब जब भगत जी आ जा करते कह दन्ना चला दंदा बाहर नहीं क्यों लड़ाई बहुत कराया करती एक तो सारा दिन भगती है भगती ने राम को काम भी कराया करे। इतना भगत जी बैठे थे वह बाहर खेता में गई वो आगे इकट्ठे हो गए वापस आंधी देखी जब दन्ना ने बोला भाई तम ही बाड़े तो उठ जाओ अके बात एक बस तोड़े हो लो आज बात बिगड़ रही है आज मां लाल हो आवश है। तो वह तो उठ गए और दन्ना बैठा अपना आके ने बोली जी ज्वार बोई थी बोई हो तो बोल है नीची नाड़ कर ली। उन्हें बोला बालक तन्ने खाएंगे वो मारा मतीरा उसका शर्मा ये तुम्बा वो नाड़ माड़ी शाडी कर गया ना शरण और तोड़ा हो वो धरती में जाला गया लागते उसके दो टूक हो गए और उसमें दड़ी पक्की जुआर कति पीसना करी कराई सी मोटी मोटी पाई। अब उस भगवान की आंख ठहर गई कि यू के काम बना जुआर इसमें और वो नाड़ ठीक भी ना कर पाया था अब आडी ये कर रहा था बेचारा। न बोले जी या जुआर की तागी इसमें उसने भी देखी कि जुआर से फिरते ही मच्छी करके बैठ गया। न बोला भगवान मन ने नहीं बेरा कितना आई सर के सौदा से वह तक करके कट्ठी क्यों टोटा बहुत हुआ करता उस कमजोरी बहुत थी उसमें अन्न की उस जुआर ने गाल का अपनी जोड़ी मार घर दर का घर ले का बड्डा गठड़े बांधन का कोई कपड़ा बाज ली अक्सारे तुम्बे जुआरे पावगी जाके बिछा के गिठड़ी इतनी बेसबरी होगी कि थाव तुम बे नरूड़ा पटक दे और वह परल दे हिजवार हो जाए उन्हें बार भगा दे फिर यानी इतना ढो ला लिया उड़ा को सैकड़ा मन जुआर कर ली। अब दन्ना जी भी चले गए अड़ोस पड़ोस खेताने बेरा पटक उनके तुम बे हम जुआर लकड़ा है तो देश कट्ठा हो गया साबत काम कट्ठा हो गया। तो दन्ना कहने लगा भगवान अपने जोगी ले जाइए बाकी देखिया परमात्मा की दी हुई है सारे गांव में बांट दे। ने बोली कति भी ना बांटू। धन्ना ने बोला बस जिस पर जितनी ले जाई जा अपनी ले जाओ। इब कौन सुना थी उस एक जनी की वो लाग गया दुनिया अपने ढोण गठड़ा गठड़ा साबत गांव ने वह जुआर ढोएंगे सांझ ताई और वह भी अच्छे गेड़े मारगी कई यानी फिर भी नहीं सांपड़ी शाम तक इतनी जुआर परमात्मा ने उसके अपने भगत के कारण कर दिए उनकी धारी खड़ी और दन्ना के कारण उस गांव में यानी जुआर बोई यानी पीसना करी कराई ग्राम पहुंची। बोल सतगुरुदेव। इसलिए बताया कि तन मन शीश ईस अपने पर पहले में चोट चढ़ाओ कहते फिर तुम भगवान ने नहीं मान रहे यानी परमात्मा की संज्ञा को समझे नहीं पाए कि उसमें कह सकते हो समझे पाचा फिर उल्टे नट नजी नहीं करे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं समझा है तो सिर दरपारे बहुर नहीं से ऐसा दा मनुष्य शरीर और सत्संग मिल गया नो बेरा पट गया भगवान ये काम कर सकता है और थारी आँखें आगाज करने लाग रहा परमात्मा ऐसे ऐसे दुख दूर करने लाग रहा मुर्दे तक जिंदे कर दिया आपको सही बताऊँ मैं पर हम इसके ऊपर लग के और सच्चे भाव तय जब करांगे तो आपको रोज चमत्कार दिखा देगा प्रतिदिन। इसका नाम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब है गरीबदास जी ये दोनों एक शक्ति हैं। परमात्मा जैसे राम और कृष्ण विष्णु अवतार थे ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंत कोट भगवान के अवतार पूर्ण ब्रह्म के सतपुरुष के अवतार कबीर साहब और गरीबदास जी आए। बोल सतगुरुदेव की जय। आया।
Thank you.